गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और इस न्यूमेरिकल को मैंने क्लास 9th चैप्टर 8 मोशन से लिया है और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3-3 मार्क्स के आपके फाइनल में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। सो फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द वीडियो एंड सी एंड लर्न हाउ वी हैव टू सोल्व दीज टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स If it will ask by the examiner in your final exam। तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को। नाउ क्या है न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल इज ऑन माई बैक स्क्रीन। द न्यूमेरिकल इज ए फ्रॉग होप्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन 10 सेकेंड एंड देन टर्न्स एंड होप्स टू पॉइंट सी इन अनदर 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड and the average velocity of the frog from the motion between A to B, second A to C through B. I'm again repeating what he said. A frog hops along a straight line path from point A to point B in 10 seconds and then turns and hops to point C in another 5 seconds. Calculate the average speed and the average velocity of the frog for the motion between A to B and A to C through B। अब इसको मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। क्या कह रहा है इसमें, हमें बड़े ध्यान से देखिए इसका सोल्यूशन निकालने से पहले। वो कह रहा है कि एक फ्रॉग है, एक मेंढक है, ये रहा आपके सामने एक मेंढक, दिस इज द फ्रॉग। वो हॉप्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जंप करता है एक स्ट्रेट लाइन में एंड मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। इस ए से इस बी पे जाता है और इसके लिए जो वो टाइम लेता है, मैं कहता हूँ कि सपोज वो टाइम लेता है से T1, दैट विल बिकम इक्वल टू 10 सेकेंड, ये आपको गिवन है। फिर उसके बाद वो इस बी पॉइंट से टर्न करता है बैक, जंप करता है और सी पॉइंट पे आके खड़ा हो जाता है, दिस इज द पॉइंट सी जहाँ वो आके खड़ा हो जाता है। और इसके लिए जो वो टाइम लेता है वो लेता है कितना, मैं कहता हूँ कि से T2, दैट इज 5 सेकेंड। 5 सेकेंड कहाँ से कहाँ तक का टाइम है? बी से सी तक का टाइम है T2 और ए से बी तक का जो टाइम है वो है T1। दोबारा देखें, एक फ्रॉग एक मेंढक इस ए पॉइंट पर है और वो ए पॉइंट से जंप करके चलता हुआ बी पॉइंट तक जाता है और उसके लिए जो टाइम लेता है वो मान लिया T1 है, दैट इज़ 10 सेकेंड। और फिर यहाँ से टर्न करता है और सी पॉइंट तक जाता है और इसके लिए जो टाइम लेता है वो लेता है T2, T2 इज़ 5 सेकेंड। तो वो कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताएं मुझे और एवरेज वेलोसिटी बताएं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन और एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होते हैं। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए तो इसका मतलब एवरेज स्पीड जो है, पहला केस फ्रॉम ए टू बी की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब जो एवरेज स्पीड है वो आपकी एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब जो एवरेज स्पीड है वो किसके बराबर होगी? एवरेज वेलोसिटी के बराबर। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड? इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नाउ व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन, कहाँ से चला? 7 से चला, कहाँ गया? ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पे गया। तो चेंज इन पोजीशन मीन्स 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय
टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लिया उसने 10 सेकेंड, तो 9/10 इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो 0.9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ए से बी चलते हुए उसकी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। नाउ व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया, वो ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पे गया, दिस इज द पॉइंट 7 एंड दिस इज द पॉइंट माइनस 2, तो 7 माइनस माइनस 2, 7 माइनस माइनस 2, 9/10, तो ये उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम दैट इज 10, तो 9/10 0.9 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वो हमें कह रहा है अब ए टू सी थ्रो बी, इसका क्या मतलब है ए टू सी थ्रो बी का, कि पहले वो ए से चला फिर वो बी तक गया फाइनली सी पे आके रुक गया, तो मतलब ए से सी थ्रो बी, ए से सी थ्रो बी, तो इसका मतलब उसकी जो एवरेज स्पीड होगी, अगेन सेम एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी एंड दैट विल बिकम इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट फिर ए टू बी प्लस बी टू सी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नाउ व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। नाउ व्हाट इज चेंज इन पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, अब वो कहाँ पे खड़ा है, सी पॉइंट पे खड़ा है, दिस इज द फाइनल पोजीशन, तो इसका मतलब 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो ए से बी चलने में कितना टाइम लिया 10 सेकेंड प्लस बी से सी आने में 5 सेकेंड, तो 7 माइनस 3 मीटर इज इक्वल टू 4/15 सेकेंड, और अगर हम बात करें तो ए टू सी तो 7 माइनस 3 दैट इज 4/15 सेकेंड, तो उसकी जो सॉरी एवरेज वेलोसिटी थी वो थी हमारे पास, अगर हम डिवाइड करें तो 0.15 टू जा 36, नाउ दैट इज 4, 15 टू जा सॉरी 15 इसको अगर हम करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड, अगर हम बात करें इसको डिवाइड करते हैं अगर हम तो 0.15 टू जा 30 दैट इज 10 100, तो 15 7 जा अगर हम बात करें 15 5 जा 65 75 एंड 15 7 जा 15 6 0.26 मीटर पर सेकेंड। दोबारा देखें, पहले केस में फ्रॉग ए से बी तक गया था तो उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो हमने क्यों एवरेज वेलोसिटी के बराबर की, क्योंकि जो फ्रॉग है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होंगे, तो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया 7 से माइनस 2 में, तो 7 माइनस माइनस 2, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन, तो 7 माइनस माइनस 2, तो 9/10 दैट विल 0.9 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह जब वो फ्रॉग ए से सी पे आया, लेकिन कैसे आया, बी के थ्रू आया, तो इसका मतलब पहले वो बी तक गया फिर बी से वो सी तक गया, तो इसका मतलब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो व्हाट इज फाइनल पोजीशन, अगर हम बात करें व्हाट इज फाइनल पोजीशन, दैट इज अगर हम बात करेंगे इस केस में व्हाट इज फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इज, देखिए दोबारा ध्यान से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस न्यूमेरिकल को, पहले केस में अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ गया है, ए से बी गया, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें एवरेज स्पीड को एवरेज वेलोसिटी क्यों कहा गया है, क्योंकि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है 7 माइनस माइनस 2, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों
बराबर है। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी आपकी बराबर होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लें, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लें, रिजल्ट विल बी सेम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट दैट इज चेंज इन पोजीशन। तो 7 से कहां गया माइनस 2, तो 7 माइनस माइनस 2, इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन दैट इज 10 सेकंड, तो ये 9/10 दिस इज मीटर एंड दिस इज सेकंड, तो 9/10 दैट इज 0.9 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब हम ए टू सी की बात कर रहे हैं थ्रू बी, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग केसेस बनेंगे, एवरेज स्पीड का अलग और एवरेज वेलोसिटी का अलग। अब वो कहाँ गया ए से सी, मतलब फाइनली वो कहाँ खड़ा है, सी पॉइंट पे खड़ा है। तो जब वो सी पॉइंट पे खड़ा है तो सबसे पहले हम उसकी एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम पोजीशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो 7 - 3 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा उसको, 7 से माइनस 2 जाने के लिए दैट इज 10 सेकेंड, माइनस 2 से 3 आने के लिए दैट इज 5 सेकेंड, तो 10 + 5 दैट इज 15 सेकेंड, तो 4/15 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 5, अगर हम बात करें तो 5 × 30 दैट इज 10, 0 लेंगे तो 5 × 6 = 90, तो 0.26 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी एवरेज वेलोसिटी आई। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगी अगर हम बात करें उसकी तीसरे केस में, एवरेज स्पीड ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू सी थ्रू बी, एवरेज स्पीड अगेन हम बात करेंगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहां पर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ने कितना ट्रेवल किया, पहले वो ए से बी गया, फिर वो बी से सी गया, इसका मतलब ए बी प्लस बी सी अपॉन टोटल टाइम टेकन 10 + 5 = 15 सेकेंड। तो व्हाट इज ए बी, दैट इज 7 माइनस, व्हाट इज ए बी, अगर ए बी की बात करें तो 7 माइनस माइनस 2, तो ए बी कितना आ गया आपके पास 7 माइनस माइनस 2 दैट इज 9। नाउ व्हाट इज बी सी, बी सी कम्स आउट टू बी 3 माइनस माइनस 2 दैट इज 5, तो ए बी प्लस बी सी कितना हो गया 14 मीटर। तो दिस इज 14 मीटर, दिस इज 15 सेकेंड, तो इट कम्स आउट टू बी 14/15 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एवरेज स्पीड। दोबारा देखें, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना लिया ए से बी प्लस बी से सी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ए टू बी कितना लगा 10 सेकेंड, और फिर बी टू सी कितना लगा 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम आ गया 15 सेकेंड। नाउ व्हाट इज ए बी, ए बी इज इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन, तो 7 माइनस माइनस 2 दैट इज 9 मीटर, दैट इज 9 मीटर। और नाउ व्हाट इज बी सी, अगर हम बात करें दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल 3 माइनस माइनस 2 दैट इज 5 मीटर, तो टोटल आ गया 14 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 14 मीटर, और टोटल टाइम कितना लिया उसने 15 सेकेंड, तो एवरेज स्पीड इज 14/15 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और इस तरह के जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपके फाइनल में 3-3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। सो फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द वीडियो एंड सी एंड लर्न हाउ वी हैव टू सोल्ड दीज टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स इफ इट विल आस्क बाय द एग्जामिनर इन योर फाइनल एग्जाम। सो एट लास्ट माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माई वीडियोज, लाइक माई वर्क, लाइक माई एफर्ट, देन प्लीज प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल इज PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स, अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय गुरु जी।